बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये लौकी का हलवा। गाइस ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, कम सामान से बहुत सारा ये बन जाता है। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो लौकी लिए, इसकी स्किन को उतार दिया है। अब मैं बीच में से इस तरह से इसको कट कर रही हूँ और इसको कट करने के बाद मैं किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से इसके बीच का हिस्सा निकाल दूंगी। गाइस ये जो बीज का हिस्सा होता है ये हमें नहीं चाहिए। देखिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, बहुत आसानी से ये निकल जाता है। आप लोग भी इसी तरह जो है चम्मच से निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो आप छुरी से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको काउंटर पर रख कर दिखा रही हूँ किस तरह से मैं इसको बीच में से इस तरह से जो है चम्मच की मदद से निकाल लूँगी और सारा का सारा मैं इसी तरह निकाल लूँगी गाइस और इसको ज़ाया नहीं करूँगी। मैंने इसकी भी सब्ज़ी बनाई थी, ये देख सकते हैं मैंने इसको निकाल कर रख लिया है। गाइस अब मैंने जो है ग्रेटर लिया है, इसकी मोटी साइड भी होती है और बारीक भी, तो मैं दोनों तरफ से ही थोड़ा थोड़ा सा कर लूँगी। मैंने इसको एक बाउल में रख लिया है और अभी जो है मैं इसको बारीक साइड से ग्रेट कर रही हूँ लौकी को। तो गाइस इसी तरह से जो है मैं सारी की सारी लौकी जो है ग्रेट कर लूँगी, आप देख सकते हैं। और वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये देखिए गाइस मैंने जो है सारी की सारी इसको ग्रेट करके रख ली है और अब मैंने जो है इसको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा दबा कर इसका जो है पानी को निचोड़ना है। गाइस बहुत ज़्यादा हमें नहीं निचोड़ना, बस थोड़ा सा ही निचोड़ना है ताकि हमारा जो हलवा है जल्दी से पक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए लौकी में जो है काफ़ी पानी होता है, तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा निचोड़ देंगे इसके पानी को तो ये जो है जल्दी बन जाएगा। और इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम सब्ज़ी में डाल देंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है और अभी चूल्हे पर नहीं रखी है, इसमें सारी की सारी लौकी ऐड कर दी है। और लौकी ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है एक ऑल पर्स का पैकेट लिया है दूध का, ये 70 रुपये का मिलता है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गाइस सिर्फ 70 रुपये के इसमें हम दूध ऐड करेंगे और जो है ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। इसमें आधा गिलास में जो है पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको जो है पकने के लिए रख दूँगी कवर लगा कर 10 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, आप देख सकते हैं दूध में जो है दाना बन गया है, यानी कि दूध जो है फट गया है, आप देख सकते हैं। जब हम लौकी के साथ दूध को पकाते हैं तो वो फट जाता है। और अब मैं जो है इसमें कलर ऐड कर रही हूँ गाइस, 1 पिंच मैंने इसमें कलर ऐड करा है ग्रीन कलर, ताकि जो लौकी का हलवा है वो बिल्कुल जो है लौकी के कलर का ही दिखे। बिल्कुल मामूली सा मैंने जो है इसमें कलर ऐड करा है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना जबरदस्त आ गया है, बिल्कुल लौकी के कलर का ही लग रहा है। अब मैं इसमें जो है 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, आप जो है मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने जो है इसको अच्छे से मिला दिया है और गाइस मिलाने के बाद जो है मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कवर लगाकर रख दूंगी पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। और पूरा हम इस पर कवर नहीं रखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा खोल कर हम इस पर कवर रखेंगे ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। ये देखिए गाइस 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं लौकी में से पानी जो है कम हो गया है और अब ये जो है बस हमें इसको भूनना है। ये गल चुकी है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है घी ऐड कर रही हूँ। गाइस घी हमें जो है इसी स्टेज पर ऐड करना है, शुरू में नहीं डालिएगा आप लोग भी। ये देखिए अब जो है हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये जो पानी नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत ये खुश्क नहीं हो जाता। गाइस फ्लेम को जो है मीडियम रखिएगा, नहीं तो ये साइडों से जो है जलने लगेगा, क्योंकि चीनी जो होती है वो साइडों से जो है जलने शुरू हो जाती है जब हम इसको तेज आंच पर पकाते हैं। तो गाइस आप भी जो है फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और इसी तरह जो है चलाते हुए ही इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। और ये देखिए गाइस मैं जो है इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जब हम मीठा खाएं तो हमारा दिल जो है इसे जल्दी से ना भरे और मीठा जो है हमें हैवी ना लगे। ये देखिए गाइस लौकी में से जो है पानी खुश्क होने लग गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है केवड़ा एसेंस की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, इसमें केवड़ा एसेंस ही ऐड किया जाता है। गाइस अगर आप लोग चाहें तो इसमें इलायची एसेंस या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से पानी जो है कम होने लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमारा हलवा भुनने लगेगा तो किस तरह का हो जाएगा। अभी जो है आपको इसमें बबल नज़र आ रहे होंगे, तो
तो जब ये बबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा हलवा जो है भुन गया है, इसमें जो है घी सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जो है अभी 10 मिनट इसको भूना है और इसमें से जो है बबल्स कितने कम हो गए हैं, अब थोड़े से ही बबल्स इसमें आ रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ जो है नट्स ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये बगैर इसके भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो गाइज़ 2 मिनट हम इसके साथ भी अच्छे से इसको भून लेंगे। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए गाइज़ अभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी है नज़र आ रहा है हमें, तो बस हमें थोड़ी सी देर और इसको भूनना है। और अब मैं इस स्टेज पर इसमें जो है ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। गाइज आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं और अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बस मैंने इसलिए डाला है ताकि जो है हमारा इसमें हलवे में मावे का टेक्सचर आ जाए। इसमें जो है बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है ये देखने में भी और जो है फ्लेवर में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने जो है बिल्कुल एंड में इसको डाला है और इसको मिला दिया है, बस हमें जो है इतना ही इसको पकाना है। और हमारा हलवा जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो है ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये देखिए अभी जो है इसमें बबल नहीं बन रहे हैं पानी के, तो यानी कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके हलवे का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे हलवे का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ही आसान रेसिपियाँ लेके आती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूँ। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।